सिंधी ये क्या कर लिया, बना लिया अपना शेयर एड्रेस, लिख लिया अच्छा जी मोबाइल अच्छा। और किस किस ने बनाया जल्दी से अपने अपने काफिया चेक करवाओ, काफिया चेक करवाओ, काफिया चेक करवाओ, माशाल्लाह सबने बना लिया। सिर्फ नाम बनाए हैं या हर एक फिल्म के रिटर्न मालूम है? हाँ जी आवाज नहीं आई, कोई पूछे कि ये किन क्या है तो बता सकते हो ना? टैग बता सकते हो? काम बता सकते हो? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, कापियां बहुत सारी जमा हो जाएगी, सबने लिखा है ना? सारी कापियां आ रहे हैं, जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा देव ऊपर करो कापियां, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी माशाल्लाह, सारे काम भी क्या हो गए, सबने लिख लिए हाँ अपना कर दिया। अच्छा तो हमारे पास ये फोन है, मॉडल कौन सा थी? रिटर्न लाइट मॉडल तो क्या है, ओल्ड है लेकिन ये मसला आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, इन्फिनिक्स टेक्नो वगैरह सभी में ये मसला चल रहा है। देखो इसका मसला ही ना, ऊपर हैंडफ्री वाला क्या है निशान आ गया है, दिखाओ। कस्टमर ने इसका कोड हमें नहीं दिया, इसके पासवर्ड है, कस्टमर ने कोड नहीं दिया लेकिन हैंडप्रिंट का निशान ऊपर क्या है नजर आ रहा है, हैंडप्रिंट का निशान आ रहा है तो मतलब क्या है किसका रिंगर वगैरह चलेगा नहीं, रिंगर नहीं चलेगा। तो कस्टमर ने किसी को दिया है तो उसने हैंडप्री सेक्शन में काम किया है, इसका हैंडप्री भी रिमूव कर ले। देखो ये हैंडप्री का निशान बस दबा चला जाता है यहाँ से, हम अगर ये हैंडप्री जेक क्या कर ले, रिमूव कर ले, देखो हैंडप्री जेक रिमूव किया फिर भी क्या है ये है, सही है, ये हम यहाँ पे लगा लेते हैं ताकि गुम ना हो जाए, सही है ये लगा लेते हैं, वापस हमने लगा लिया फिर भी हैंडप्री जेक हैंडप्री जेक हटाने से फिर भी हैंडप्री मोड है और इसमें काम हुआ है, किसी कस्टमर किसी को दिया था शॉप वाले को, तो सारे लोग यही करते हैं। देखो उन्होंने क्या कर लिया, ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ से उखाड़ लिए, देख रहे हो, क्योंकि हैंडप्री के पास यही सेक्शन है तो उनको लगा कि हैंडप्री सेक्शन यही होगा तो कंपोनेंट एक एक उतार रहे, देख रहे हैं एक एक उतार रहे और देख रहे हैं। चलो जी इससे मसला हल हो सकता है कंपोनेंट उतारने से? नहीं सर, अक्सर जो तुक्का लग जाता है ना वो आपको बताया है, क्योंकि ये क्या होता है लोजिक हाई वाला फार्मूला होता है, सही है, कंपोनेंट हटा दिया वो अक्सर शार्ट होता है, मिसाल तौर पर कैपेसिटर शार्ट हो गया, सही है, वो लोजिक हाई निकला लोजिक लो पे चला जाए तो हैंड फ्री मोड पे चला जाएगा, अभी उसने कैपेसिटर शार्ट हो गया था तो लोजिक लो पे चला गया था, कैपेसिटर हटा दिया तो हो गया, तो उसने लोगों में ये तरीका क्या हो गया मशहूर हो गया, सही है कि बस हैंड फ्री क्या कर लो इस तरह करो हटाओ और बात खत्म, नहीं होते तो फिर वी बेल्ट से जंपर लगा के क्या करते हैं दे देते हैं, तो ये तरीका भी सही नहीं है। आज इस वीडियो में हम बताने वाले कि इसका सही तरीका क्या है, और इस तरह फोन आपके पास आए देखो हार्ट कंडीशन यही है तो उसके इसको तो लोग देखते ही वापस कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास एक दो ट्राई होते हैं ये कैपेसिटर निकालना या और ट्राई होते हैं टच करना कंपोनेंट्स के ऊपर, तो कंपोनेंट्स ही नहीं है क्या निकाल ले किसके ऊपर क्या कर ले टच कर ले वोल्टेज दे दे वीबेट वाले, तो ये दोनों तरीके सही नहीं है। इसका सही तरीका क्या है आपको बता दिया गया है, सही है, क्योंकि हमारे मोबाइल में तकरीबन जितने फार्मूले चलते हैं ना उल्टा डिवाइडर वाला हो गया वो भी बहुत डीप में आपको समझा दे लाइट लगा, और जो फार्मूला हमारे लॉजिक लो लॉजिक हाई वाला है कौन सी जगह पे कितने वोल्टेज में हाई होगा कितने में लो होगा ये सारे आपको किसके साथ क्या कर लिया शेयर कर लिए। अभी यहाँ पे जो हैंडप्री सेक्शन है इसमें हमारा कितना जो है ना लॉजिक लो और लॉजिक हाई किस तरह होता है ये हम किस तरह मालूम करेंगे, ये आप में किसी एक ने क्या करना है ढूंढना है और सब्सक्राइबर को हमारे क्या करना है समझाना है, आप तो समझ गए हो, आप एक मिनट में कर लोगे कि नहीं किसी टाइम की जरूरत पड़ेगी आपको एक मिनट में उठा के क्या कर लोगे लगा लोगे, सही चलो जी। और फिर इसका सबसे पहले समझाना है कि कौन सी लेंस से इसका मसला हल हो सकता है, उसके बाद समझाना है कि अगर हमें वोल्टेज ना मिले तो डिवाइडर बना सकते हो ना, इसके लिए इस तरह वोल्टेज चाहिए जो क्या हो स्टेबल होते सही, तो वोल्टेज ढूंढना है और फिर इसका लाइन मालूम करके वहां पे वोल्टेज देना है कितने वोल्टेज देना है यह साथ में बताना है, और कौन सा इसमें कौन सा फार्मूला चलना है ये भी साथ में बताना है, और स्कीमेटिक्स तो चलो मैं थोड़ा सा हेल्प कर लूंगा क्योंकि काम क्या हो जाए जल्दी जल्दी, अरे कौन कर सकता है नवीन तो साथ में बैठा है लेकिन इसको नहीं करेंगे, सही है इसको नहीं कहेंगे क्योंकि लोग कहेंगे पास में बिठाया हुआ है, सब स्टूडेंट नहीं कर सकते ये क्या है हाँ ये होशियार स्टूडेंट है इसलिए पास में बिठाया है, ये सबसे होशियार है वाकई सब होशियार है माशाल्लाह,
सब एक जैसे है। और इसी मुल्ला साहब में बेटा ये कर सकता है सर, तो कोई और आ जाओ। हाँ जी बीजी से, हाँ जी नहीं ये यार आ जाओ, चलो यार आप आ जाओ, थोड़े से डिटेल देना यहाँ मेरे लिए कुर्सी यहाँ आके आ जाओ, आप बैठ जाओ। ये नहीं दूसरा वाला नहीं, थोड़ा क्या कम है, मेरे बराबर बैठना है, वीडियो हो सकते हैं थोड़ी सी क्या हो जाए लंबी लंबी नहीं होगी। चलो कितने मिनट का काम है, दो मिनट का काम है, सही है। चलो जी अच्छा अपना तारुफ कराओ थोड़ा सा जुनेद भाई, शॉप और एड्रेस वगैरह सब कुछ एक्सपीरियंस। मेरा नाम जुनेद नजर है, मैं मुल्तान कादर पुरामा मतीतल से बिलीव करता हूँ और मेरी शॉप का नाम एशिया मोबाइल है। एशिया मोबाइल। और एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस मेरा 10 से 15 साल का है। 10-15 साल का, माशाल्लाह। चलो अच्छा जुनेद भाई, आप इस फोन को जो है ना हैंड फ्री सेक्शन का ये मसला है, इस तरह मसला कभी आया आपके सामने ये वाला? नहीं सर, इस तरह कभी सामने नहीं आया। चलो जी ये जो सेक्शन आपको बताया है इसका, उसी से आप इसको हल कर सकते हो? जी सर बिल्कुल कर सकते। तो कौन सा फार्मूला इसमें चलेगा सर? इसको हम पहले चेक करेंगे कि किस कैपेसिटर पर इसकी वैल्यू है या नहीं है, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे लॉजिक लो लॉजिक हाई वाले फार्मूले के साथ से। हाँ जी। और उससे भी नहीं हुआ तो फिर हम दो रिन्यू सेमेस्टर से उसके कोड से चेक करेंगे से मालूम कर लेंगे, क्योंकि कंपोनेंट सारे है नहीं, सही है बिल्कुल। और इसमें लॉजिक लो लॉजिक हाई वाला फार्मूला चलता है। तो सबसे पहले आसानी के लिए हम ये कर देना जुनेद भाई, ये बर्दियों से मालूम करते हैं कि कौन सी लाइन पे हमने लॉजिक लो लॉजिक हाई वाला फार्मूला देखना है, ऑन आने ऑन करना है, उसके बाद देखना है कि लॉजिक लो है या हाई। अगर हाई है तो क्या करना है, उसको लो करना है। अगर लो है तो क्या करना है, कितना हाई करना है, आपको बताया ना? इसमें ट्राई करते मैं स्कीमेटिक्स में बैठ जाता हूँ, आप साथ में क्या कर लेना, कर लेना। आप स्कीमेटिक्स तो कर सकते हो ना? जी सर बिल्कुल अच्छी तरह, लेकिन टाइम बचत हो जाए तो उसके लिए क्या हम ये करेंगे। चलो जी ये सामने हमारे जो है ना चार्जिंग सेक्शन देना। हाँ जी यस सर, सर आईसी बनाया ना? यस सर। एक एक पॉइंट बनाया? यस सर। माशाल्लाह, फिर भी देखो आवाज क्या क्या हो, फ्रेश हो, पूरा आईसी बना लिया फिर भी फ्रेश है। चलो ये इसमें किसका मॉडल कौन सा है? E10 देख लो, मिल जाएगा बता देना, देखें वैल्यू है भाई। अच्छा यहाँ पे इसका मॉडल से पहले कुछ मैं वैल्यू वगैरह कंफर्म कर लूं, किसी कैपेसिटर के पॉइंट पे वैल्यू मिल जाए। अच्छा पहले डिटेक्शन करते हैं, आसानी हो जाएगी। P10 हमारा हो गया, देखो यहाँ पे इसका लेआउट और इसका स्कीमेटिक, देखो अभी इस तरह हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन जो देखने वाले हैं ना जुनेद भाई उनको पता नहीं चलेगा, सही कि जुनेद भाई ने किस तरह मालूम किया, वरना आपको तो डायरेक्ट लाइन बताया है, डायरेक्ट उस वहां पे जाके कितना टैक्स देना है ये भी बताया है, सही है सेक्शन में। तो ये फोन अभी कस्टमर का है, तो अभी आपके लिए आप तो कर लोगे, ये सामने भी समझ जाएंगे लेकिन देखने वाले समझेंगे नहीं, इन्होंने क्या किया किस तरह ये मसला हल हुआ। तो चलो इसका लेआउट ओपन हो गया और स्कीमेटिक्स, लेआउट में हमारे हैंड फ्री यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे जेक होते हैं, हैंड फ्री जेक को हम क्या कॉपी करने वाले हैं, ये दूसरा सा कोड कॉपी करें, हाँ कोड कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे कनेक्ट होता है, देख रहे कनेक्टर ये है, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे क्या कर लिया पेस्ट कर लिया। चलो ये तो कोड एक चीज का कॉपी किया था और आ गया कैपेसिटर, बाहर कोई नहीं, ये हम पहुंच गए अपने हैंड फ्री सेक्शन पर। चलो जो भी होगा हैंड फ्री सेक्शन ही है, तो हैंड फ्री सेक्शन में ऑनलाइन मालूम है ना जिसपे हमने क्या करना है, पहले लॉजिक लो लॉजिक हाई देखना, फार्मूला चेक। हाँ जी एक एक लाइन बता सकते हो? जी सर। HSR का क्या मतलब है? हाँ जी स्पीकर राइट होगा। चलो जी और HSL का क्या मतलब? अच्छा जी और 1V8 का क्या मतलब? और DET का क्या मतलब? तो ये पॉइंट है कि नहीं है? और डेट कितने आने चाहिए मालूम किया कि नहीं? चलो अभी ये कहाँ पे मिलेंगे डिटेक्शन पॉइंट, कहाँ से कनेक्ट है देख रहा हूँ, कोई भी कंपोनेंट हम कॉपी कर सकते हैं, मिसाल तौर ये कैपेसिटर क्या कर लिया कॉपी कर लिया। चलो जी यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर लिया, थोड़ा सा जूम करते हैं
चलो जुनैद भाई अभी ट्रेस कर, अभी आगे आप क्या करने वाले हो जुनैद भाई? मैं इसकी ट्रेस करूंगा। जी यहाँ पे बताओ इनको आगे क्या करने वाले हो, आगे इस पे अभी फोन ऑन कर लो और यहाँ पे उल्टे देखो, अगर ये लो जगह हाई है तो पहले से उल्टे जाने चाहिए, कितने कितने उल्टे जाने चाहिए? 1.8। चलो जी, और अगर लॉजिक लो पे हो तो कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा, तो क्या करेंगे हम इसको वोल्टेज देंगे, कितना कितना वोल्टेज दे सकते हैं कि ये तो 1.8 यहाँ पे लिख का है, लेकिन कितने हद तक दे सकते हैं आपको बताया गया, सही है? चलो जी, मीटर बिजली से भी कर लो, अभी ये लोकेशन आपके सामने है, इसी पे चेक कर लो, इसके पे फोन हमारा ऑन है, बिल्कुल ऑन है। चलो जी देख लो यहाँ पे, उल्टे चेक कर लो, हाँ जी कुछ उल्टे लो, उल्टे नहीं है, नहीं सर, यहाँ पे सर है, कितना है? तकरीबन माइनस में 1.8 तो नहीं है, नहीं सर। चलो जी अभी यहाँ पे हमें कितना उल्टे देना है? 1.8। और कहाँ से देना है मालूम करना है ना? चलो वहाँ पे वोल्टेज हमारा जो है ना इनपुट आउटपुट भी है, लेकिन उसमें यहाँ पास में नहीं मिलेंगे, सीपीओ के पास मिलेंगे, और ये पूरा ग्रिल इसके पास लगे हुए, तो नीचे इसके टीपी दी होते हैं, तो टीपी पे चेक कर लो, अगर किसी टीपी पे आपको मिल गई, इस तरह हमारे जो है ना लाइट की टीपी हो गई, डिस्प्ले ग्राफिक्स की टीपी हो गई, हम उस टीपी से इसकी वैल्यू लेंगे, पीसी को नुकसान ना पहुंचाए। हाँ बिल्कुल, पहले आप टीपी मालूम कर लो उसके उल्टे, उसके बाद क्या करेंगे देखेंगे। चलो जी यहाँ से स्टार्ट करो, बिल्कुल कोने से एक एक लाइन चेक करो, यहाँ पे कितना होता है? 3.9। ये दे सकते हैं? नहीं सर। हाँ जी ये 9 वोल्ट। अगले जगह 0। अगले जगह 0 सर। अच्छा अगला लाइन 9 वोल्ट सर। इससे आगे थोड़ा सा पीछे भी इस तरह कर लिया करता क्या मैं भी मतलब आए। हाँ जी इस तरह के टीवी यहाँ से आसानी से हो जाती है। हाँ जी 0 वोल्ट। आगे चेक कर लो कितना वोल्ट, 0 वोल्ट। आगे चेक कर लो 1.8। ये एक टीवी मार्क कर लो, इसको हम देखने वाले इससे देख सकते हैं या नहीं। चलो हो गए, हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, आगे यहाँ पे 0 वोल्ट। तो यहाँ पे कर लो नजर नहीं आए। हाँ जी पास में और भी टीवी है। हाँ जी 1.8। इसको भी मार्क कर लिया। चलो हाँ जी इसको भी मार्क कर लिया। चलो जी आगे 1.8। इसको भी मार्क कर लिया। आगे 3.8। 3.8 ये दे सकते हैं? नहीं सर। चलो हमारे पास होगा कुल 4 पॉइंट, कुल 4 टीवी। चलो जी अभी बर्फ ऊपर देखो कि हमने कौन सी टीवी से देना है, ये हमने मालूम करना है। अच्छा एक ये तीसरे नंबर था, इस पे डबल क्लिक किया, कोड यहाँ पे कॉपी हो गया, और यहाँ पे आके हमने प्रेस करना है। चलो ये हमारा है बूट बोर्ड, बूट बोर्ड पहचानते हो ना? जी सर। इससे दे सकते हैं ना? यस सर। चलो ये तो हो गया सर, दूसरे पे चेक करते हैं, ये हमारे लिए सेफ रहेगा और इसी से दे भी सकते हैं, ये वाला चेक करते हैं, इस पे भी 1.8 आ रहा था। अच्छा जी ये हो गए हमारे पावर की डाउन और अप के लिए, ये जो 3 टीवी मिल रहे हैं पावर डाउन पावर अप और इनसे भी दे सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा मसला हो सकता है, सही है? और बूट वाले से दे सकते हैं, वो हर टाइम मिलेगा और कोई नुकसान नहीं है। तो चलो उस टीवी से दे दो जो 3 नंबर टीवी है हमारा, उससे जम्पर उठाओ, बैटरी हटाओ पहले, बैटरी हटाओ ताकि मोबाइल में कोई नुकसान ना हो, अच्छी तरह सेफ एक जम्पर एक 3 नंबर से ले लो और उसी कैपेसिटर पे दे दो, कैपेसिटर तो है नहीं, कैपेसिटर के एक साइड पे देना पड़ेगा। चलो काफी बनती है, अभी ऑन हो जाएगी थोड़ा सा, तो वेट कर लो, जम्पर वायर दे दो, वो शोल्डर भी है और जम्पर वायर भी है। अच्छा और इस तरह जम्पर लगाया ताकि पीछे हमें नजर आए, वो शोल्डर किए भी है। हो गया जुनैद जी सर। अच्छा तो जम्पर डिटेक्ट वाली लाइन पे लगा लिया 1.8 वाला, थोड़ा ऊपर कर, एक जम्पर यहाँ पे लगाया जो डिटेक्शन वाली के ऊपर कर लो, यहाँ से ये हमारा बूट वाला था, सही है बूट वाला लाइन, तो इसी से जम्पर उठा के वहाँ पे लगाया, अभी यहाँ पे दिखाऊं लाइट ऑन कर लो,
ये वाला एक जंपर निकालिए, तो सबको समझ में आ गया ना? यस सर। कहाँ पे जंपर लगा, कौन से लाइन से लगाना है, कितने वोल्टेज का लगाना है, चलो चेक कर लो। अभी देखते हैं मसला इसका सेम उस तरह है। अगर सेम आपको भी बताया गया अगर इस लाइन से भी मसला हल ना हो तो आगे क्या करना है, सही है सर? हाँ जी, कौन से आईसीपी काम करना है? कोडाई, सीडीसी, कोडाई, सही है? कोडाई का आईसीपी हमने क्या करना है, काम काम करना है। चलो एक वो देखो, और इससे मसला क्या बनेगा, साइड इफेक्ट। हाँ जी, एंट्री सही है, लेकिन कस्टमर जो है ना वो ब्लूटूथ वाला यूज कर सकते हैं और रिंगर तो चल जाएगा ना, तो नुकसान थोड़े क्या हो जाएंगे, कम सही है। चलो अभी देखते हैं एंट्री मोड, इसका तो कोड है नहीं, कोड है नहीं, बार हम चेक नहीं कर सकते, एंट्री निशान चला गया तो हमारा केस क्या है, चला गया। लेकिन इसका भी अगर सीपीओ भी बदल ले काम होता नहीं, कोडेक किसी ने चेंज किया था तो फिर तो काम हो जाएगा, लेकिन इतना किसी को समझता तो ये कंपोनेंट नहीं होता सही। इसका ये तो मसला हो गया कि एंट्री अभी नहीं लगा, कस्टमर दूसरा एंट्री भी यूज कर सकते हैं जो कानों में लगाए जाने वाले। और हमने इस तरह जगह से जो है ना वोल्टेज डेरी किए, हर टाइम रहेगा फोन ऑन होगा तो हर टाइम रहेगा अवेलेबल रहेगा सही। किसी और जगह से लोगे तो फिर क्या होगा, नुकसान होगा। और डिवाइडर भी कहां से बना सकते हो, भी आपको बताया। चलो जिनेंद्र भाई खुशी हुई, पहले का एड्रेसिंग से काम किया इस तरह? बर्दी यूज किया था पहले या आने से पहले? बिल्कुल नहीं, ये जो लाइन आज तकरीबन 24 लाइन बताया जी सर, तो ये कभी पहले नहीं सर, ये तो कभी देखी नहीं थी, देखे नहीं थी। चलो जी इंशाल्लाह, अभी कितने दिन बाकी है? दस दिन बाकी, इंशाल्लाह पूरा ब्रेड हो जाए। और कुछ कहना है? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन लास्ट टाइम जब हम आखिरी दिन होगा फिर बहुत कुछ कहेंगे इंशाल्लाह। चलो जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।